एक फरवरी से देश भर में लागू होते ही ईवे बिल व्यवस्था लड़खड़ा गई और मजबूरी में सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। जीएसटी के ईवे बिल में आ रही तकनीकी खामियों के बाद सरकार के सामने इसकी तारीख बढ़ाए जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था। ईवे बिल तैयार करने में आ रही शुरुआती तकनीकी खामियों के चलते केंद्र सरकार ने ईवे बिल जनरेशन के ट्रायल फेज को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि इस बारे में कानून के पूर्णतया लागू होने की तारीख का जल्द ऐलान किया जाएगा। ईवे बिल का उद्देश्य टैक्स चोरी का पता लगाना है। ईवे बिल वो दस्तावेज है जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए 50,000 रूपए या उससे ऊपर की कीमत के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचाने के लिए बनवाना जरूरी होगा। ईवे बिल के ट्रायल रन के करीब 15 दिन बाद इसे 1 फरवरी से लागू होना था, लेकिन तकनीकी खामियों को देखते हुए फिलहाल इसे फिर टाल दिया गया है। 1 फरवरी के दिन हजारों ट्रांसपोर्टर्स ने शिकायत की थी कि उन्हें ईवे बिल जनरेट करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ लोगों ने अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी जाहिर की थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।